मोदी सरकार ने त्योहारी सीजन से पहले कंपनियों को दिया जबरा सरप्राइज और नतीजा ये हुआ कि त्योहारों से पहले ही झूम उठा देश का शेयर बाजार। ग्लोबल मंदी के असर से धीमी हो रही देश की अर्थव्यवस्था को बुलेट की रफ्तार देने का ऐसा तोड़ मोदी सरकार ने निकाला कि वक्त से पहले ही शेयर मार्केट में दिवाली मन गई। गोवा में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक से ठीक पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घरेलू कंपनियों और नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को एक खबर से खुश कर दिया। खबर ये थी कि सरकार एक अध्यादेश के जरिए इन कंपनियों पर लगने वाले कॉरपोरेट टैक्स को कम करने जा रही है। घरेलू कंपनियां अगर कोई छूट नहीं लेती हैं तो उन्हें सिर्फ 22% टैक्स देना होगा। सरचार्ज और सेस को मिलाकर कुल टैक्स 25.17% होगा। अगर कोई कंपनी छूट का फायदा ले रही है तो टैक्स हॉलिडे की एक्सपायरी के बाद वो भी कम टैक्स का विकल्प चुन सकेगी। वहीं 1 अक्टूबर के बाद बनने वाली घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए टैक्स की दर 15% होगी। सरचार्ज और सेस मिलाकर इनके लिए प्रभावी टैक्स 17.01% होगा। नई टैक्स व्यवस्था को इसी 1 अप्रैल से प्रभावी माना जाएगा। इस खबर को सुनते ही देश का शेयर बाजार खिल उठा। सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था गुलजार हो गई। सेंसेक्स और निफ्टी में ऐसा उछाल आया जो देश ने काफी लंबे अंतराल के बाद देखा। डॉलर के मुकाबले रुपया भी मजबूत होने लगा। मोदी सरकार द्वारा टैक्स में दी गई इस छूट से मेक इन इंडिया के तहत निवेश, रोजगार और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इससे रेवेन्यू में भी इजाफा होगा।